अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल नूरे ब्यूटी आई होप यू आर ऑल फाइन सो गाइस ये सामने जो आप लड़की देख रहे हैं ये मैं हूँ और ये शीशा कम्पलीटली इग्नोर करें इसको ये आ, जो है बहुत ही एंटीक शीशा था और ये रिसेंटली टूटा है बहुत ही दुख हुआ जब ये टूटा सो गैज़ ये दो ड्रॉज जो आप देख रहे हैं आ, ये भी मेरे हैं इसके अंदर मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन ऑर्गेनाइज़ नहीं है तो ये मैं फिर किसी दिन इन आपको दिखाऊँगी ऑर्गेनाइज़ करके तो so, ये देखें इसके ऊपर जो है ये हमने सारा शोकेस की चीज़ें रखी हुई हैं और आ, नीचे जो है ये ड्रॉर्स हैं गायज़ जो आज मैंने आपको ड्रॉ दिखाना है वो ये वाला है चलें इसको ओपन करते हैं बिसमीम सो ये मैंने रिसेंटली अभी को ऑर्गेनाइज़ किया है वैसे इतना ऑर्गेनाइज होता नहीं है आ, मैंने इसको कल परसों ही जो है वो मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ और अपनी व्यूवर्स को दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने रखा हुआ है अपने ड्रायर में तो इतने से ड्रायर में अलहमदिल्ला बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये काफ़ी स्पेशियस भी है आप कह लें कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं सो so ये जो आप पिंक बॉक्स देख रहे हैं इन इसको लास्ट में ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ क्या है सो द फर्स्ट थिंग विच आई हैव इज़ दिस परफ्यूम इसका नाम है डाडोर बाई और एंड ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था एंड दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान इसका इसकी जो फ्रागरेंस है बहुत ही अच्छी है जुम्मे उद स्पेशली आई लव टू यूज़ इट और इसकी फ्रागरेंस की अच्छी बात यह है कि ये जल्दी फेड आउट नहीं होती और द सेकेंड थिंग विच आई हैव इज़ दिस वन एंड दिस इज़ बाई मेबेलिन और ये आपके लिप्स को हाइड्रेटेड भी रखती है और साथ ही साथ आपके लिप्स को एक टेंट भी देती है सो अनदर थिंग विच आई हैव इज दिस वन ये कैजन डी है जिसका मैं रिव्यू दे चुकी हूँ अगर आपने देखना है तो आप मेरे चैनल पर जा कर चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हैं सो अनदर थिंग विच आई हैव इज़ दिस बॉडी स्प्रे बाई क्लेयर्स और ये यहाँ से नहीं है ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है और दिस इज़ नॉट फ्राम पाकिस्तान और अनदर थिंग विच यू हैव इज़ रोज़ वाटर जो कि जिसके अंदर मैं uh, ग्लिसरी ऐड करती हूँ और कभी कभार ग्रीन टी भी ऐड कर लेती हूँ सो so, एक फेस मिस बन जाता है जो कि मैं मस्ट अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ एंड आई लव टू स्प्रे ऑल ओवर माई फेस एवरीडे मैं हर दिन इसको इस्तेमाल करती हूँ एंड यू गाइज हैव नो आरिया के कितनी स्किन ग्लोई हो जाती है तो

सो so गज जो मैंने अभी आपको क्लियर का दिखाया है, जो कि मेरा गिफ्ट है खूबसूरत सा प्यारा सा एक पूरी पैकेजिंग हुई हुई थी जिसके अंदर तीन चीज़ें थी uh, उसके अंदर बॉडी स्प्रे था बॉडी लोशन था और शावर जेल थी तो ये सारी चीज़ें जो कह मैं यूज़ करती हूँ और इसकी इनकी बहुत ज़्यादा फ्रूटी स्मेल है और बहुत क्यूट सी इसकी पैकेजिंग है एज यू कैन सी द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज़ दिस वन ये ब्रेड पॉलिक है और इसका रिव्यू इनशाला जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा बिकाज़ आई एम सो मच एक्साइटेड टू शो यू दिस वन दिस बॉक्स इसके अंदर बहुत कुछ है इनशाला लास्ट में दिखाती हूँ तो तो uh, ये जो नेक्स्ट थिंग है विच आई हैव ये टिंकल रेजर है कॉटिंग रेजर एज यू ऑल नो कि बहुत सारी लड़कियाँ डरती हैं वो मेरे को और क्या हो जाएगा रेज़र यूज़ करेंगे तो इसके अबाउट भी मैंने एक वीडियो बनाई है यू कैन चेक दैट आउट कि शेविंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है तो ये जो मेरे पास है ये है ओले की क्रीम इसके अंदर क्रीम ओले की नहीं है इसके अंदर मैंने अपनी सन से क्रीम बनाई हुई है ये मैंने तीन चार चीज़ें मिक्स करके जिंक ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड और ये चीज़ें मिक्स करके मैंने अपनी सनस्क्रीन लगाई है और इसको मैं रिलीजियसली अपने फ़ेस पे सुबह उठते साथ ही लगाती हूँ ताकि कोई एजिंग साइन ना आए आपको पता ही है कि सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं और इन ये भी मैं बनानी सिखाऊंगी कि ये मैंने किस तरह से बनाई है तो ये मेरे पास रेवलोन की पड़ी हुई है लिप ग्लोवस और बहुत ही कमाल का लिप ग्लोवस है जब भी कोई गैस वगैरह आते हैं ना फटा फटाफट से मैं ये लगा लेती हूँ और नो मेकअप लुक हो जाती है इससे अगेन जब मेहमान आते हैं तो मैं ये तिब्बत स्नो अपने फेस पे लगा लेती हूँ आई नो कि ये बहुत ही पुराने ज़माने की बुढ़ी रूह आप लोग समझ रहे होंगे मुझे कि इसके अंदर अभी तक तिब्बत स्नो लगाती है तो यह गाय मैं लगाती हूँ और ये इससे काफ़ी असर पड़ता है आपके चेहरे पे दाने नहीं आते और मैं बहुत ही इसको पसंद करती हूँ इसकी स्मेल भी अच्छी होती है वैसे इतनी नहीं अच्छी होती तो जी ये घड़ी है बहुत ही कदीम ज़माने की घड़ी है ये ये मेरी अम्मी की थी और अम्मी को गिफ्ट दिया था मेरे अबू ने तो ये अब मैंने ले लिया है और इसको पहनते हैं ना जब और इस पे लगाते हैं तो फ़ौर चाल पड़ती है इसकी ये बहुत अच्छी खसूसियत है तो ये मैंने रखी हुई है और पहनने का कभी मौक़ा नहीं मिला <laughs> तो गाइज़ अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है तो ये कंडीशनर है कंडीशनर बेसिकली यही वाला मैं यूज़ करती हूँ मुझे मेरा फेवरेट है इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ आपके बालों को इतना धमाकेदार सिल्की कर देता है धमाकेदार मतलब ये नहीं कि उड़ा देता है <laughs> सिल्की बहुत कर देता है आपके बालों को तो ये लोरियल का ड्रीम लॉन्ग कंडीशनर है जो कि बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी और सिल्की कर देता है और आपने सिर्फ इसको एंड पे लगाना होता है तो जो अनदर मेरे पास ये दो दो छोटे छोटे से क्यूट बैग्स देख रहे हैं ये एक मेरा पैसों वाला बैग है और दूसरा जो थोड़ा सा डटी हुआ हुआ है उसके अंदर मैंने चीज़ें रखी हुई हैं लाइक मैंने अपनी आ, क्या कहते हैं उसको यूएसबी रखी हुई है और ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ मेरी कुछ दवाइयाँ मज़ीद और आप कहते होंगे बहुत ज़्यादा मेडिसन्स लेती है लेकिन मैं मेडिसन्स कुछ रिव्यू देने के लिए भी लेती हूँ कि पहले खा लूँ और फिर आपको बताऊँ कि ये कैसा है तो इसी कौन है विटामिन सी की दवाई और डायाइट थी ए, 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 मल्टी विटामिन की दवाई थी और ये जो मेरे पास कंडीशनर है ये पे मैं यूज़ कर चुकी हूँ पेंटीन का कंडीशनर लेकिन मेरा जो बेस्ट कंडीशनर है ना वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लोरियल ड्रीम लोंगिया मुझे वही पसंद है तो इसके बारे में मैंने आपको पर्स के बारे में बता दिया है कि इसके अंदर में यू हैं और चीज़ें हैं तो अब बारी आती है ज्वेलरी के सेक्शन की और ये मेरे से निकल नहीं रहा और बहुत सारी कोशिश करने के बाद ये निकल आया तो फाइनली और इसके अंदर अब क्या है ये अब आप मैं आपको दिखाती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं है बस जो मैं बेसिक चीज़ें हैं मतलब जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर लूँ फटाफट से अगर कोई मेहमान वगैरह आए और मैचिंग ज्वेलरी पहननी हो तो मैं ये इसमें से फटाफट निकाल लेती हूँ बहुत ईजीली इसमें से चीज़ें मिल जाती हैं तो यहाँ पर ये कांटे ये ट्वेंटी फोर के गोल्ड के और यहाँ पर ये चोकर है बहुत स्टाइलिश सा चोकर है और ये ब्रेसलेट है और ये सारी चीज़ें हैं आप देखनी है तो मैं आपको सारी दिखा देती हूँ पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं दिखाती सारी क्या करना है सारी दिखा के फिर मैंने कहा दिखा देती हूँ तो ये अली एक्सप्रेस से कांटे लिए थे ये ये कांटे हैं और इसके साथ ये झुमके हैं ये बहुत ही एंटीक स्टाइल के झुमके हैं मेरे फेवरेट हैं ये जो एयरिंग्स हैं ये मैंने स्टाइलों से लिए थे और यहाँ पर ये टिक्का एक मैंने अपनी बहन की शादी पे लगाया था बहुत ही प्यारा टिक्का है एज यू कैन सी मुझे बहुत छोटे छोटे से टिक्के पसंद हैं क्योंकि आई एम सिंगल और मैरिड नहीं हो तो सिंगल लोगों को थोड़े छोटे लगाने चाहिए <laughs> तो यहाँ पर अगेन मेरे ये झुमके हैं ये मैंने बाज़ार से लिए थे और बहुत ही अच्छे मुझे लागे और फटाफट से मैंने पकड़ लिए जब आपकी लंबी गर्दन हो ना तो आपको चूट करते हैं ये लंबे कांटे अगर आपकी छोटी गर्दन हो तो लंबे कांटे बहुत फजूल लगते हैं तो ये आ, मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे ये भी बहुत ही प्यारे कांटे हैं और ये मेरे ब्लैक वेलवेट का सूट है उसके साथ मैं पहन लेती हूँ कभी कभार तो यहाँ पर आ, ये बड़े स्टाइलिश से कांटे हैं ये मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट दिए थे और और ये सारी बाकी की ज्वेलरी है ये दूसरे कांटे का पेड़ निकल आया है और ये अगेन यहाँ पर टिक्का है ये भी मैंने अपनी बहन की शादी पे लगाया था और सी कि मुझे छोटे छोटे टिक्के बहुत पसंद आते हैं जैसे जो बच्चे लगाते हैं ना वो वाले और ये सूट भी बहुत करते हैं ये देखें कितना प्यारा ये टिक्का है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है तो ऐसे कह थी कि ये आ, मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे कुछ मैंने अंदर से जो प्रोडक्ट हैं वो अली एक्सप्रेस से मंगवाई हुई हैं और कुछ मैंने एन एल से मंगवाई हैं और कुछ मैंने लोकल मार्केट से ली हुई हैं जैसे ये वाले कांटे मैंने लोकल मार्केट से लिए थे और ये अभी तक शाइनी शाइनी है और इसमें मतलब ऐसे काले नहीं हुए तो ये मेरी आ, जो है अंगूठी है मेरी लीस्ट फेवर अंगूठी है मैं ये नहीं ज़्यादा पहनती और ये अगेन पेयर निकल आया दूसरा और ये भी कांटे हैं ये मुझे नहीं पसंद और ये मैंने एनल से लिए थे आ, हाफ इसके ऊपर जो है वो स्टाइलिश से मुझे लगे थे तो मैं मेरे पास ऐसा सूट था तो मैंने कहा ये मैं उसके साथ जो है वो पहन लूँगी तो ये बड़ी स्टाइलिश से कांटे हैं और यहाँ पर ये अंगूठी है जो मैं पहनने लगी हूँ मेरी फेवरेट अंगूठी है ये और यह कहा सारी मेरी ज्वेलरी है और ये देखें छोटे से ये मेरे झुमके हैं और ये इतने प्यारे लगते हैं जब आप इसको कपड़ों के साथ पहने लोन के कपड़ों के साथ पहन लें तो ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े ना ना हो जो उसके साथ आप रेगुलर जब मेहमान आए घर पे और आपने लोन का ड्रेस पहना हो तो बड़े उसके साथ मैच कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर मैंने अंगूठी पहन ली है <laughs> मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये अंगूठी लेकिन मुझे इन इन अंगूठियों का शौक़ नहीं है ज़्यादा मैं पहन तो लेती हूँ लेकिन उतार ही जाती हूँ पता नहीं मेरे अंदर ये एक आदत है आ, मैं अंगूठी ज़्यादा देर नहीं पहन सकती तो ये एक्नी को क्योर करने वाली सारी क्रीम्स इस बॉक्स में है अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो इसमें क्लिया जेल है इसमें एक्सेसोल्व है एसुकेंसी और इसमें ये मैंने क्योंचा लिटर जो है वो ब्लास्टर रखा हुआ है बाय रेवोल्यूशन और ये जब भी मेहमान आते हैं तो मैं अपने फेस पे चीक्स पे लगा लेती हूँ तो ये क्लीना जेल है क्लीना जेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका भी रिव्यू मैं दे चुकी हूँ और ये वैसलिन का लोशन है क्यूट सा छोटा साइज का साइज़ है ये ट्रैवल फ्रेंडली है आपने इसको कहीं भी लेके जाना हो लेके जा सकते हैं फेस पे मॉइस्चर रखने के लिए तो ये एक्सीसोस का लोशन है और ये साथ प्योर ग्लिसरीन ग्लिसरीन है एज यू कैन सी कि मुझे ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा पसंद है मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे टू कीप माय फेस हाइड्रेटेड तो यह क्लीनर जल है अगेन आपको पता चल रहा होगा कि कितनी मुझे पसंद है ये uh, स्पेशली अगर आपके दाने हैं फेस पे तो आप क्लीनर जल यूज़ कर सकती हैं तो uh, ये uh, ब्रिवॉक्सल है इसका मैं रिव्यू दे चुकी हूँ एंड यू गाइस हैव नो आइडिया कि इतने मुझे इस पर क्वेश्चन आए हैं और इतना लोगों ने इसको पसंद किया है और इतना लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है इस क्रीम की वजह से आ, के बहुत अच्छा उनको जो है वो रिव्यू मेरा अच्छा लगा और उन्होंने जब यूज़ किया तो बहुत उनको फ़ायदा पहुँचा तो यू वेल क्रीम है ये सनस्क्रीन है और आ, ये सनस्क्रीन बेसिकली मैं नहीं इतनी लगाती लेकिन जो मैंने सनस्क्रीन बनाई हुई है उसके अंदर मैंने ऐड की हुई है ये वाली तो मैं इन वो बनाना सिखाना है इन आपको तो आ, बेटा सेलिक लोशन है ये भी एक्ने को क्योर करता है और लिटरली गाइस इसके अंदर सैलिसलिक एसिड होने की वजह से इसने मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है अलहमद माशाल्लाह सो गाइस इन सब चीज़ों का जो आप देख रहे हैं मैं रिव्यू दे चुकी हूँ और uh, ये भी सब चीज़ें मैंने आप आपको दिखा दी हैं तो गायज़ so मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में ये बॉक्स ओपन करूँगी तो फाइनली आई एम गोना ओपन इट या एज यू कैन सी कि इसके अंदर बहुत सारे Uh, जो हैं वो लोशंस हैं और इसके अंदर फ़ेस वॉशेस हैं तो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ आप सो द फर्स्ट थिंग विच यू कैन सी कि लोरियल का प्योरीफाइंग जेल फेस वॉश है एंड ये चारकोल इसके अंदर डाला हुआ है ये आपके फेस की इम्प्योरिटीज़ को निकालता है और आपकी जो जो भी मैल कुछ जेल फेस पे होती है वो विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन गेट रिट फ्रॉम ऑल ऑफ डैट और ये बहुत ही अच्छा अमेजिंगली अच्छा, अच्छा अच्छा वर्क करता है आपकी स्किन पे तो गाइज द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज दिस लोशन जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट लोशन है आपको पता है कि अपनी स्किन केयर में लोशन को और मॉइस्चराइज़र को ज़रूर ऐड करना चाहिए तो ये मैं बेबी लोशन इस्तेमाल करती हूँ अपने फेस पे और ये बेबी सॉफ्ट क्रीम भी यूज़ करती हूँ जामसम की और ये बहुत ही अच्छी है आ, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ आपके कम्प्लीटली आपके फेस को हाइड्रेटेड रखती है मॉइस्चराइज रखती है सो तो ये दोनों चीज़ें हो गई और अब जो है ये मैं देख रही हूँ मैंने आई लैशेज़ को तनिख्यों इधर रखी हुई है मेरी तो ये मेकअप बॉक्स में होनी चाहिए थी तो मैं दिखा देती हूँ लेकिन आपको तो ये आर्मेटिक की आई लैशेज़ हैं इसका नंबर है फाइव वन एट जीरो जीरो सिक्स ब्लैक हसी इसका नाम है एंड एज यू कैन सी कि बहुत लाइट सी uh, आई लैशेज़ हैं और अभी तक मैंने इनको इस्तेमाल नहीं किया तो so guys, ये पॉइंट्स का डेली एक्सफोलिएटिंग वालेटिंग है इसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ और इन इसका रिव्यू जल्द ही यूट्यूब पर आ जाएगा मेरी इसको रिसेंटली मैंने परचेस किया है और इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आज ही में इन दिनों में तो मैं इन रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी और ये नेक्स्ट थिंग वज आई हैव ये बीबी क्रीम है रेवलॉन की एज डिफाइंग एज यू कैन सी कि इसके अंदर थर्टी एस पी एफ़ है जो कि मैं अंडर माई आईज़ यूज़ करती हूँ और अपनी आइज़ के एरिया पर ज़्यादातर लगाती हूँ ये तो क्योंकि मैंने सन स्क्रीन बनाई हुई है वो मैं रेस्ट ऑफ द फेस अपने फेस पर लगाती हूँ और ये जो है मैं अपने आईज़ के अराउंड लगाती हूँ सो अनदर स्किन प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ दिस हनी जो कि मरह्बा वालों की है और ये बहुत छोटी सी ट्यूब टाइप है और इसको मैं अपनी रेमडीज़ में अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर लगाती हूँ इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है तो और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करती है और सॉफ्ट और प्लंप अप करती है तो दैट्स वाई इसको मैंने रखा हुआ है और ये जी एस टी एफ का ब्लैक हेड क्लियरिंग बम्बो स्क्रैब है ग्रीन टी प्लस बम्बो स्क्रैब इसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये कमाल का स्कब इसका, इसका रिजल्ट रहा है मेरी स्किन पे और बहुत अच्छे से एक्सपोलियट करता है आपकी स्किन को तो ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं लोरियल पेरिस कास्टिंग क्रीम ग्लोस ये मैंने कलर खरीदा था और उसमें से ये आ, जो है कंडीशनर निकला निकला था तो ये मैं यूज़ कर कर लेती हूँ जब कभी मेरे पास कंडीशनर ना हो तो मैं इसको यूज़ करती हूँ तो ये जी मेरे पास वीट हेयर रिमूवल क्रीम है जो कि जब जब भी कहीं जाना हो जल्दी से फटाफट से आप या तो रेजर करते हो और या तो क्रीम लगाते हो तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि स्किन केयर में इसने लिपस्टिक क्यों रखी हुई है तो गाइज जब कभी भी मेहमान आ जाएँ तो मेरा जो मेकअप बॉक्स है वो ऊपर होता है तो मैं एक लिपस्टिक ज़रूर नीचे रखती हूँ ताकि फटाफट से मैं अपने लिप्स पे लगा लूँ और एक टिंट सा अपने लिप्स को दे दूँ तो दैट्स वाई आई एम कीपिंग इट हेयर सो एज यू कैन सी ये जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मैंने अभी अभी रिसेंटली ये परचेज़ किया और इसके रिज़ल्ट भी uh, जो है वो मैं शो करूँगी इन रिव्यू दूँगी अपने चैनल पे ही ये पॉन्ट्स का ऑयल कंट्रोल फे फेशल फॉम है ये फ़ेस वॉश है इसका रिव्यू भी इन मेरे चैनल पे जल्द ही आ जाएगा और आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका क्या आ, मतलब आउटकम रहे और क्या फ़र्क पड़ता है आपकी स्किन पे इसके इस्तेमाल so, कैसे आप जो पेज देख रहे हैं ये पन सूरते में से फट गया था और अलीहदा हो गया था तो मैंने ये अपने पास रख लिया और इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें हैं जब आप ये पढ़ते हो जो आपसे सलाम फरमाया ये अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ तो बहुत सारी बरकतें आपको दिन में हासिल होती हैं चलें मैं अब आपको पढ़ के सुनाती हूँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अबाश रजील्ला से रवायत है कि रसूल सल वसम ने फरमाया कि जो कोई सोरा रून की ये तीन आयतें सुबह होने पर तलावत करे वो उस दिन की सारी खैर बरकतें पा लेगा जिनसे वो महरूम रहा होगा और इसी तरह जो कोई शाम आने पर यह तीन आयतें तलावत करे वो उसकी उस रात की सारी खैर वरकतें पा लेगा जिनसे वह महरूम रहा होगा वह याद ये हैं فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تزحرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحج، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. अल्लाह की पाकि बयान करो जब तुम्हारे लिए सुबह हो और शाम आए और ज़मीन और आसमान में हर वक्त इसकी सुना होती है और चौथे पहर और दोपहर के वक़्त भी इसकी पाकि बयान करो और वही है जो जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है और वही ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा करता है और इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सुबह की बरकत हासिल हो सारे दिन की बरकतें आपको मिलें तो आप इस आयत को जरूर सुबह के वक़्त उठते साथ आपने कोई काम नहीं करना सबसे पहले आपने ये आयत जरूर पढ़नी है इनशाला आपको दिन की सारी बरकतें हासिल होंगी अगर आप दिन को पढ़ेंगे तो दिन की सारी बरकतें हासिल होंगी अगर आप शाम को पढ़ेंगे तो सारी रात की बरकतें आपको मिलेंगी तो गैज़ ये ये बाकी की चीज़ें ये ओलि मास्क है चार कोल मास्क ये लगाती हूँ मैं अपने फेस पे और ये ग्लिसरीन पड़ी हुई है और ये एक नलकी पड़ी हुई है जो कि मैं अपनी मुँह आए दिन आ जाती हैं उनको उतारने के लिए ये रखी हुई है सो या गैस डेट ऑल दिस इज वाइट आई हैव इन माइ ड्रॉर आई होप यू डिड इन्जॉयड माई वीडियो और आपको अच्छी लगी होगी और काफी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी चीज़ों के बारे में आपको सो गाय नेक्स्ट टाइम विद एन दीडियो इनशाला So guys, if you haven't subscribed me yet, please do subscribe to my channel and give this video big, big, big thumbs up. And इतनी मैंने मेहनत की है उसका सीला दें अब आप uh, subscribe करके और like करके and see you on the next time. Allah Hafiz.